कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? क्या मर्द बेचारा नहीं होता है? सुनने में कुछ अजीब है परंतु ये सच है। जी हाँ, मर्द को भी दर्द होता है। अनूप थापा के निर्देशन में बनने जा रही फीचर फिल्म ये मर्द बेचारा की शूटिंग हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में हुई है। अमाश फिल्म और टू इडियट द्वारा निर्मित फिल्म एक फैमिली कॉमेडी है और इसकी चर्चा फरीदाबाद तथा पूरी दिल्ली NCR में है। फिल्म की मुख्य भूमिका में दिल्ली के कलाकार विराज राव और सुई धागा जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी मुंबई की अदाकारा मानुकृति पहवाहें और साथ ही साथ सह कलाकार की भूमिका में फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार जैसे महेश गहलोत जो मनुकृति के पिता की भूमिका निभा रहे हैं, बिजेंदर काला, सीमा पहवाह, अतुल श्रीवास्तव, मणिक चौधरी जो विराज राव के दोस्त की भूमिका में नजर आएंगे। मर्द के दर्द को दर्शाने और दर्शकों को लोटपोट करने के उद्देश्य से इस बन रही इस फिल्म की शूटिंग फरीदाबाद के सिकरी तथा अन्य जगहों में की जा रही है। शूटिंग के जोश का पता इस बात से पता चलता है कि जिले की जनता दूर दूर से इसे देखने के लिए आ रही है। फिल्म को दर्शक 19 नवंबर को सिनेमा घरों में देख पाएंगे। फिल्म कॉमेडी से भरपूर है। हम जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अभी ऐसे ट्रेलर में दिखता है तो हमने हल्का फुल्का कॉमेडी रखा है, लेकिन फिल्म के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो कि वो मुद्दे को उठाती है, जिसमें जब आपकी फ्रेंड बोलती मैं ये केस कर दूंगी वो कर दूंगी तो ये बोलती है ये गलत बात है, अगर मर्दों को कानून का गलत इस्तेमाल करना चाहिए तो औरतों को भी नहीं करना चाहिए। वो सारी चीजें हमारी कहानी के अंदर, कानून की नज़र में सब बराबर है तो सबको, ये हम किसी भी जेंडर को टारगेट करके, ये तो सिर्फ एक जस्ट कहने की बात है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्चुअली में मर्द का दर्द होता क्या है, किस चीज़ से जूझता है मर्द या हमारी सोसाइटी किस दर्द से जूझ रही है, ये इस फिल्म को देखने में ज़्यादा अंडरलाइन की गई है बात कि मर्द वो नहीं होता जो रोए ना, मर्द एक्चुअली में वो होता है जो रोए, जो हर चीज़ को फील करे, जो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करे, वो मर्द होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्क्रिप्ट की जो मुझे भी अच्छी लगी थी, जिस वजह से मैंने ये फिल्म अनूप जी की है कि आज तक हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की। हमने बचपन से अपने बच्चे को, लड़के को हमेशा ये कहा है, अरे तू रोएगा नहीं, तू मर्द है, तू रोएगा नहीं, तुझे दर्द नहीं हो सकता, कैसा मर्द है, ऐसा मर्द है। तो ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी लेके घूम रही है, इसकी वजह से आप नहीं जानते कि उस मर्द को हम किस तरह का बना देते हैं। जब वो बड़ा होता है फिर हम उससे शिकायतें करें तो गलत है। मेरे ख्याल से जब बच्चा छोटा होता है तभी से अगर हम उसके पालने में इस बात का ध्यान रखें कि उसे हमें असली मर्द बनाना है। जो ये अभी हम 1.5-2 साल में हम बहुत लोग बेचारे हुए हैं क्योंकि कोविड के कारण बहुत लोगों के रोजगार की, सिनेमा इंडस्ट्री आपको पता थिएटर अभी चालू हुआ है कई जगह 50% है तो थिएटर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत डैमेज हुई है। सिनेमा हम लोग ने जब शूटिंग की थी उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया जब हमारी फिल्म रिलीज होने वाली थी। आप सोच भी 1.5-2 साल अपनी फिल्म को लेके बैठना है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, फिर उसके बाद ये डिसीजन लेना। हमने ये तय किया था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऐसा कि अगर हम सिर्फ OTT में डाल देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। हमने डेट चुनी कि जिस दिन इंटरनेशनल मेंस डे है हमारा सब्जेक्ट कनेक्ट करेगा। टाइम कितना लगा शूटिंग में? तो 1 महीने में हो गई। गुड़गांव फरीदाबाद में हुई पूरी शूटिंग। मालिक अपनी भूमिका के बारे में बताइए, क्या रोल है आपका, क्या करेक्टर? मेरा जो कैरेक्टर है वो, मेरे कैरेक्टर का नाम रुद्रा है एंड जो विराज है उनका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, चट्टी बट्टी हैं साथ में ही बचपन से बड़े हुए हैं। मेरा जो कैरेक्टर है थोड़ा बोल्ड टाइप का, जो सोसाइटी एक तरीके से कहती है कि हाँ भाई ये मर्द है, तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है और एक्सप्रेसिव भी हूँ, हर चीज़ में अपनी मर्जी से सारा कुछ करता हूँ एंड बचपन से हम दोस्त हैं तो कोई भी दिक्कत होती है छोटी से छोटी तो मेरे पास लेके आते हैं, भाई अब कैसे करूँ, इस चीज़ का क्या करूँ, इसका सोल्यूशन बता रहे थे, तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है। एंड अगर वो मतलब जैसे शिवाली का जो है उससे प्यार करता है तो उसको कहने में डरता है बहुत, तो वो भी मैं ही बताऊँगी भाई मैं प्यार भाई क्यों करता है, तू बोलेगा मैं थोड़ी ना बोलूँगा उसकी जगह, तो उन सब चीज़ों में मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बूस्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई तू इस तरीके से सोसाइटी में रहेगा तो तेरे को कौन पूछेगा, तेरे को वैल्यू नहीं रहेगी, तो उस तरीके का मेरा। वैसे तो आप कोई हंसी मजाक वाले सारे कॉमेडी बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत ज्यादा हमने देखा भी है, इस फिल्म में आप किस तरीके का कर रहे हैं? अब बताने की जरूरत थोड़ी रही, इतना काफी आपके मुंह से भी सुनना चाहते हैं ना। तो चीज तो वही है ना, मर्द तो मर्द ही है वो मर्दों के लिए कहते हैं ना कि हम अबला मर्दों की वही कहानी
होठों पे मूछ, आंखों में पानी। तो वो सबकी लगभग लगभग 19-20 हो सकती है, बाकी चीजें वही है, दायरे वही है सब। कैसे जुड़े आप फिल्म के साथ, कैसे? हाँ, कैसे जुड़ा? अब दरअसल क्या, मैं दिल्ली में काम करता हूँ ज़्यादातर, बॉम्बे में जाता हूँ काम करके लौट आता हूँ। तो अनूप जी को कहीं से पता चल गया कि कास्टिंग डायरेक्टर ने इनको मेरा तस्वीर दिखाया, शायद इनको पसंद आया, पसंद आया तो उनके मन में भाया, इन्होंने मुझे बुलाया, फ्री घूम रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बैलेंस वाली फिल्म है। फिल्म की अभिनेत्री से जानना चाहेंगे कि आपने बोला कि प्यार होने के बाद शादी हो जाती है, और वैसे तो क्या होता है जब शादी होती है, ऐसे लगता है लड़का फंस गया है और उसके ऊपर बहुत सारी मतलब बंदिशें, बहुत सारी ऐसी चीजें उसके सामने आती है। तो हम जानना चाहेंगे कि शादी के बाद किस तरीके से मतलब साथ देना चाहिए, या किस तरीके से फिल्म में जो है कि थोड़ा बताया गया। फिल्म में तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आप फिल्म देखें और फिर उसे जाने, बट आपका जो क्वेश्चन है उसको आई कैन आंसर कि शादी के बाद आई थिंक अगर आप एक, अगर मैं एक औरत होके शादी करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से एक सर्टन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट चाहूँगी कि वो दे, अंडरस्टैंडिंग चाहूँगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग मुझे रिटर्न भी करनी पड़ेगी। अगर वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं मैं काम करूँगी, तो शायद मुझे भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर उसका काम करने का ना मन, यू नो, और बहुत सारी, अगर उसे घर पे रह के घर की चीज़ें करनी है तो मुझे उस चीज़ का सपोर्ट करना है, ना कि पलट के कि तुम ये क्या कर रहे हो, बाकी मर्दों को देखो वो तो बाहर जा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस आदमी के साथ रह रहे हैं वो क्या चाह रहा है अपनी ज़िंदगी से, एंड देन आप उसका सपोर्ट सिस्टम वहाँ बनते, ना कि बाहर जो आदमी कर रहे हैं या औरतें कर रही हैं, हम एक दूसरे को घर पे आके एक दूसरे से कंपेयर करें कि वो औरत तो ऐसा कर रही है, तुम क्यों बाहर जाके काम कर रही हो, या हम आदमी को कहें कि वो देखो आदमी इतना पैसा कमाता है तुम्हारी सैलरी इतनी है। ये कंपैरिजन जो है आई थिंक वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है सपोर्ट बनने का। सो आई थिंक सपोर्टिव होना इज द बेस्ट थिंग। उनके अभिनेता जो है बहुत कम बोले हैं, ऐसा है, लगता है कि इनके ऊपर कोई दबाव है। मैं थोड़ा नर्वस जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर क्या वाकई दबाव है या दबाव नहीं है। एक्चुअली मैं इतने सारे लोगों को एक साथ देख के थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ हमेशा से ही, तो इसलिए मैं कम ही बोलना पसंद करता हूँ और कम ही बोला जाता है मुझसे, इसलिए बस यही हो रीजन, और कोई दूसरा रीजन। अंदर भी ना ये पूरे दबाव में रहे, और ये जैसे इनके दोस्त बने हैं तो इन्होंने पूरी फिल्म में इनको दबा के रखा है, मतलब तो ये इससे गाइड करे भाई ये बता मैं क्या करूँ, ये है वो है, तो दबाव में वो कैरेक्टर में अभी मुझे लगता है फिल्म के कैरेक्टर से निकल नहीं पा नहीं मतलब मुझे ऐसे अंतरराष्ट्रीय मैन दिवस जो है कि आपने ये बताया कि इस पे मतलब रिलीज होने जा रही है, वैसे अभी तक किस तरीके का कोई आया नहीं सामने, ना कोई इसके फेवर करने में आया, ना कभी मनाया गया है, तो किस तरह से मनाना चाहिए इस देश को, आप थोड़ा सा संदेश? एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है, अभी मैम ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि औरतें आज आ चुकी हैं अपने अधिकारों, मर्द क्या करते हैं ना, अभी भी उसको ऐसा लगता है कि हम क्यों मांगे, वो अभी भी उस गुल्फत में जी रहे हैं, मतलब गलत फहमी में जी रहे हैं कि नहीं यार हम बोल ही नहीं सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखिए इंटरनेशनल मैंस डे हो या वुमेंस डे हो, इसलिए होता है कि एक डे हर चीज का एक डे बनाया गया, फादर्स डे, जिस दिन हम उस जिस पे डे है उसको इज्जत दें, मतलब जैसे हम फादर्स डे होता है तो फादर्स को ग्रीटिंग देते हैं, मदर्स डे होता है तो वुमेंस डे होता है तो वुमन के लिए, तो उसी तरह से मेंस के लिए भी होना चाहिए ना। क्या आपके पिता के जीवन में मतलब क्या सिर्फ माँ का ही आपका योगदान, पिता के बिना क्या आप यहाँ आज हो सकते थे? तो पिता को आपने देखा होगा, हम माँ को बोल देते हैं, पर्सनली भी आप कभी पिता को नहीं बोलते डैडी थैंक यू, होता ही नहीं है, पर बेटी का फिर भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बेटों का तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो आदमी ही आदमी का दुश्मन, जैसे औरत औरत की दुश्मन है, तो इसीलिए वो उनको आना चाहिए ना। हमने तो अपनी कोशिश की है, ऑर्गेनाइजेशन पर वाले भी ये बोलते हैं, आपने जैसे बोला सेल्स के, तो बोला लोग मर्द ही नहीं आते बेसिकली, तो देखिए आप भी एक मर्द है और आप किसी और से क्यों पूछ रहे।